श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे नायला कादरी के बारे में, जो बलूचिस्तान की है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान के हीरो हैं, ऐसा उनका मानना है। अभी सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बलूचिस्तान की महिला नेता नायला कादरी ने बयान दिया है, वो वहाँ की महिला नेता है, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के लोगों ने अपना हीरो माना है। वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय संस्कृति संसद में विश्व बलूच महिला संघ की अध्यक्ष नायला कादरी ने पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान में बलूच नस्ल को ही खत्म करना चाहता है, ऐसा बयान दिया है। पाकिस्तान बलूच लोगों का नरसंहार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत सरकार ने अनुमति दी तो बलूचिस्तान को निर्वासित सरकार का गठन वाराणसी में ही किया जाएगा। बलूच आज़ादी का मुद्दा उठाने पर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नायला ने कहा, जो नायला है, कि बलूचिस्तान अगर आज़ाद होता है तो वहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लगेगी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मोदी जी ने जिस क्रेज और जुर्रत के साथ वो काबिले तारीफ की है, जो करेज उन्होंने दिखाया है, बयान देना भी बहुत बड़ी मायने रखता है, क्योंकि आज भारत एक समृद्ध देश है, उसका अपना एक स्थान है। तो उस देश का प्रधानमंत्री जब ये कहता है किसी के बारे में, एक शब्द भी कहता है, तो बहुत मायने रखती है बात। तो जिस करेज और जुर्रत के साथ उन्होंने बलूचिस्तान की बात की थी 15 अगस्त वाले भाषण में, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। वर्ल्ड के किसी नेता ने बलूच की कभी आवाज नहीं उठाई। 70 सालों में पाकिस्तान उन पर जुल्म कर रहा है, पर नायला कहती हैं कि मोदी जी तो हमारे हीरो हैं, मोदी जी हमारे भाई हैं। नायला ने कहा कि एक बलूच एक कटोरी पानी के बदले में 100 साल की वफा देते हैं, और बलूच ने तो जान देकर अब तक माता हिंगलाज के मंदिर को सहेजा है। नायला ने स्पष्ट किया कि बलूचिस्तान को आज़ाद कराने में भारत यदि साथ रहता है तो उसके दूरगामी फायदे होंगे। एक तो भारत अपनी संस्कृति के मुताबिक मददगार की परंपरा का निर्वाह करेगा, दूसरे आने वाले समय में बलूचिस्तान ऊर्जा के क्षेत्र में मदद देगी। मध्य एशिया का बाजार का सीधा रास्ता भारत को आज़ाद बलूचिस्तान से मिलेगा। हिंगलाज माता के दर्शन के लिए किसी भारतीय को वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलूच नेता ने पाकिस्तान पर हमला बोलते कहा कि पाकिस्तान इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इस्लाम के नाम दहशतगर्दी करते हुए अब तक 30 लाख बंगाली मुसलमान, 40 लाख अफगानी मुसलमान और 2 लाख से अधिक बलूचों की हत्या कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था। इसके बाद बलूच की आज़ादी की मांग तेज हो गई बलूचिस्तान में और कई देशों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये हैं नायला कादरी, जिनके बारे में हमने आपको बताया है। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक नैतिक समर्थन दिया है और उसी समर्थन के बदले में नायला कादरी ने उन्हें शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार से काफ़ी निराश थी, लेकिन बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई को अपने नैतिक समर्थन देने के लिए नायला कादरी ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि पीएम मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ओर से मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया था। नायला कादरी ने यह भी कहा कि आज बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ रासायनिक हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, बच्चों की हत्या कर रहा है, महिलाओं को अगवा कर रहा है। बलूचिस्तान में चीन का प्रवेश के बाद उत्पीड़न बढ़ गए हैं। चीन इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाएं विकसित करने में जुटा हुआ है। कादरी का स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम यह जानते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र उस वक्त कहाँ था जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया।
वो सीधा सीधा कहती हैं कि पाकिस्तान यह दावा नहीं कर सकता है कि बलूचिस्तान में उग्रवाद उसका अंदरूनी मामला है, उसका अंदरूनी मामला है ही नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग है ही नहीं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।